हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेफरेंस मेन्यू में कैप्शन के बारे में। कैप्शन क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने फुटनोट, इननोट और टेबल ऑफ कंटेंट, इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया था हमने, और उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है आपका इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन होता क्या है? जब आप इस पर अपना कर्सर, माउस का पॉइंटर रखिएगा तो यहाँ पर दिखेगा। ये आपका क्या होता है, किसी टेबल का या किसी पिक्चर का या किसी, बोल सकते हैं, किसी इमेज की नंबरिंग करने के लिए यूज़ होता है इंसर्ट कैप्शन का। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी टेबल नहीं है, कोई भी इमेज नहीं है या कोई भी शेप नहीं है। तो आप तीनों में से या इक्वेशंस, जिसकी भी नंबरिंग करना चाहते हो, यहाँ पर आप बारी बारी से इंसर्ट कर लोगे। तो यहाँ पर हम कोई भी ले आ देते हैं, जैसे हम ले आ देते हैं हमारे पास शेप है तो हम शेप की भी नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ हम शेप ड्रॉ कर लेते हैं और हमें इसकी क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। यहाँ आप एरिया तो हमने पढ़ाया ही था, अगर आपका ये जो शेप है वो वर्ड के ऊपर आ जा रहा है तो इसके फॉर्मेट में ऑप्शन दिया रहता है रॉब टेस्ट का, उसके द्वारा इसका एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसकी नंबरिंग आपको करनी है कि हमारा इमेज नंबर क्या है, आपको फिगर डालना है, इक्वेशन डालना है। तो इसकी नंबरिंग करने के लिए हम रेफरेंस के न्यू कैप्शन यानी इंसर्ट कैप्शंस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको कैप्शंस में नेम क्या देना है, या अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो। यहाँ लेवल का कुछ ऑप्शंस भी दिया गया है, यहाँ इक्वेशंस का, फिगर का, टेबल का। इक्वेशंस मीन मैथमेटिकल फॉर्मूला का कुछ सिंबल्स होता है, वो हमारा इक्वेशंस होता है। तो जो भी आपको नाम डालना है यहाँ से आप इसको डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे दिया है पोजीशंस, मीन्स आप जो कैप्शन का नाम डालोगे वो आपके कहाँ पे रहेगा, ऊपर साइड में रहेगा वो नाम या नीचे। तो हम बिलो सेलेक्शन आइटम डाल देते हैं। सेलेक्टेड आइटम मीन्स हमारा जो नेम रहेगा वो हमारे जो भी इमेज है, शेप है, इक्वेशंस, उसके नीचे रहेगा। इसके बाद यहाँ पे दिया है नंबरिंग। नंबरिंग का जो फॉर्मेटिंग है वो आप क्या रखना चाहते हो, 1, 2, ABCD कैपिटल में, रोमन में। तो यहाँ पे कुछ 5 टाइप्स के यहाँ पे नंबरिंग फॉर्मेट दिए गए हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 1, 2 वाला ही कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे करके हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब यहाँ पे देखो फिगर 1 आ गया है। इसकी फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हो, इसको आपको साइज़ को बड़ा करना है तो यहाँ से कर सकते हो। होम में जाके अगर आपको इसको कलर वगैरह करना है तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हो, वो तो आपकी फॉर्मेटिंग स्टाइल्स पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को इंसर्ट करवा चुके हैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 2-4 फटाफट इक्वेशंस को इंसर्ट करा लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे दोबारा से एक शेप ले लेते हैं कोई भी, अब फटाफट काम करेंगे। अब हमें कोई भी फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं होगी, मीन्स वहाँ पे एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होगी। अब बस आप क्या कीजिएगा, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जब तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिगर नंबर 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने इससे पहले फिगर नंबर 1 क्लिक किया था। आप चाहो तो इसको अलग से भी इसका लेवल चेंज कर सकते हो। तो यहाँ हम सिंपली वाला ही सीखेंगे। फिगर नंबर 2 पर क्लिक करिए और ओके कर दिया। फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। अब देखिए क्या है, अब यहाँ ऊपर में हमारा फिगर नंबर 1 था और नीचे हमारा फिगर नंबर 2 था। तो यहाँ बीच में भी हम यहाँ क्या करेंगे, एक और यहाँ पे शेप इंसर्ट कर लेते हैं कोई। तो ऊपर हमारा फिगर नंबर 1 था और नीचे हमारा फिगर नंबर 2 था, तो ये हमारा बीच में क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा फिगर नंबर 2 और जो नीचे वाला है वो फिगर नंबर 3 बन जाएगा। मीन्स अपने नंबरिंग को वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। तो यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन कीजिएगा तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे फिगर नंबर 2 दिख रहा है, ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ देखिए आपका फिगर नंबर 2 है। इसकी साइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए आपका फिगर नंबर 2 आ गया है। अब हम नीचे वाले शेप को देखेंगे, वो ऑटोमेटिक फिगर नंबर 3 हो चुका होगा। यहाँ पे देखिए ये आपका फिगर नंबर 3 हो चुका है। तो ये खुद की जो नंबरिंग है उसको भी खुद से ही एडजस्ट कर लेता है। तो ये हो गया आपका इंसर्ट कैप्शन। तो इंसर्ट कैप्शन क्या करता है, फिगर की, टेबल की, इक्वेशंस की नंबरिंग करने के लिए यूज़ होता है। और टेबल ऑफ कंटेंट की तरह ही आप इंसर्ट कैप्शन का भी टेबल बना सकते हैं। डायरेक्ट उस टेबल पे क्लिक करके आप उस फिगर पे जंप कर सकते हैं। तो हमने नंबरिंग कर लिया शेप का, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। जब इसको आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ फॉर्मेटिंग का स्टाइल आएगा, जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगता है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ हमने कर दिया ओके। तो यहाँ देखिए दिख रहा है फिगर नंबर 1 हमारा है पेज नंबर 1 पे, 2 हमारा है पेज नंबर 3 पे और फिगर नंबर
4 है हमारा पेज नंबर 4 पे, फिगर नंबर 3 हमारा है पेज नंबर 4 पे। तो ये हमारे पास कम पेज है तो हम स्क्रॉल करके जा सकते हैं। हो सकता है आपके पास 100, 150, 1000 पेजेस हो तो आप डायरेक्ट स्क्रॉल करके नहीं जा सकोगे ना, बहुत ही आपका टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज़ें। तो यहाँ से आप जब भी टेबल आप इंसर्ट करवा लेते हो तो डायरेक्ट ही उस फिगर पे, टेबल पे, इक्वेशन पे आप जंप कर सकते हो। कैसे? आपको बस सिंपली करना है, जब इसके पास जाएगा तो वो आपको देगा एक ऐसा डायलॉग देगा कि आप कंट्रोल के साथ जिस भी फिगर पे जाना चाहते हो वहाँ पे क्लिक करिए। तो हमने कंट्रोल प्रेस किया, जिस भी फिगर पे हमें जाना है ये हैंड सिंबल उस पर आप क्लिक कर दीजिए। हमें फिगर नंबर 3 पे जाना है, बस क्लिक कर दीजिए माउस का जो आपका लेफ्ट बटन है। तो यहाँ पे देखिए फिगर नंबर 3 पे आ गए हैं। ऊपर आते हैं, जिस भी आपको फिगर पे जाना है, हमें फिगर नंबर 2 पे जाना है, कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ फिगर नंबर 2 पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए फिगर नंबर 2 पे आ गए हैं। तो क्या ये टेबल द्वारा हम डायरेक्ट उस कैप्शन पे जा सकते हैं? यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ अपडेट टेबल का। अपडेट क्या होता है? जब भी हम कोई भी न्यू चीज़ें इंसर्ट कराते हैं तो टेबल को अपडेट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है अपडेट टेबल। किस टेबल को? ये जो हमने इंसर्ट करवाया है ना, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, इसको अपडेट करने के लिए। तो फटाफट हम क्या करेंगे, एक न्यू कोई भी शेप ले लेते हैं दोबारा से, हमें तो उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक खुद के नंबरिंग को एडजस्ट कर लेता है। यहाँ पे हमने ले लिया और डायरेक्ट हम जाएंगे रेफरेंस में, इंसर्ट कैप्शन करेंगे, ये फिगर नंबर 2 ले लिया क्योंकि नीचे 2 रहा होगा, ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो देखिएगा होगा ये आपका फिगर नंबर 3 ऑटोमेटिक हो गया, उसके नीचे फिगर नंबर 4 हो गया होगा, तो ऑटोमेटिक नंबरिंग को एडजस्ट कर लिया है। तो इसको हमें अपडेट करना है। यहाँ देखिए एक और हमने इंसर्ट कराया है फिगर, बट यहाँ पे आपके टेबल अपडेट नहीं हुए। तो टेबल को अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको टेबल को सेलेक्ट करना है और यहाँ अपडेट टेबल वाले पे क्लिक करना है। आपको सेकेंड वाला चूज़ करना है ऑप्शन, अपडेट इंटायर टेबल। इससे क्या होगा, जो आपकी नंबरिंग है पेज नंबर की वो भी आपकी अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ सेकेंड वाले पे क्लिक करने के बाद आप ओके कर दीजिएगा तो देखिए आपका टेबल जो है वो अपडेट होकर आ गया है। तो ये अपडेट टेबल क्या करता है, इस इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स को अपडेट करता है। तो बस वही बात है, आपको जाना है उस शेप पर तो बस कंट्रोल प्रेस कीजिए और इस फिगर नंबर पे आपको क्लिक कर देना है तो उस आपको शेप पे पहुंचा देगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, इंसर्ट कैप्शन के बारे में। इंसर्ट कैप्शन क्या होता है, किसी भी पिक्चर्स, किसी भी फिगर, टेबल, इक्वेशन, इन सारी चीज़ों की नंबरिंग करने के लिए यूज़ होता है। और इस नंबरिंग किए गए जो भी आपके पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, इसका आप फिगर ऑफ यहाँ पे टेबल भी इंसर्ट करा सकते हो। जब भी आप कोई भी न्यू फिगर डालो तो उस टेबल को अपडेट करने के लिए इस ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।